जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में, प्लस आज ही हम स्टार्ट कर देंगे सेल्स के वाउचर क्लास बनाएंगे। आज क्या बनाएंगे? सिर्फ वाउचर क्लास बनाएंगे सेल्स के, क्वेश्चन कल से करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन जो रह गया परचेज ऑफ एसेट्स का वो हम कर लेते हैं। तो आपको एक बात याद होगा, जब मैं पढ़ाता था तो मैं बताता था कि हम परचेज के अकाउंट तब तक बनाते हैं जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है, हमें ज्ञात नहीं होता है कि हम क्या खरीद रहे हैं तब तक। लेकिन जब हम इस बात का ज्ञान होता जाए कि हम क्या खरीद रहे हैं, हमें पता लगने लगता है कि क्या खरीद रहे हैं, तब हम परचेज का नहीं उसी चीज का अकाउंट बनाते हैं जो चीज खरीदते हैं, जो संपत्ति है। तो वही है कि एसेट्स को खरीदना है तो क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो किसका अकाउंट बनाएंगे? परचेज का, कंप्यूटर का। और उधार है, अगर उधार है तो क्या करेंगे? पार्टी के नाम की कैश। बस इस क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए कर लेते हैं। और एक क्रेडिट डेबिट वाली बात किस मोड में आती है बच्चों? वाउचर में अपना बचे जाओ, जो मोड चेंज करना पड़ेगा कंट्रोल एच, किस मोड पे काम करेंगे? क्रेडिट डेबिट वाली बात इसी में आती है। तो पर्चेज डेबिट होता है तो पर्ची की जगह लेने वाला कौन है इस टाइम? कंप्यूटर, या इसकी संपत्ति वो भी डेबिट ही होगी। क्रेडिट कौन होगा? एके इंटरप्राइजेज, एमएस नाम से लिखिए आप लोग, एमएस एके इंटरप्राइज। कितना अमाउंट है? अमाउंट देख सकते हैं आप लोग, अमाउंट है 30,000, 30,000 डाल दीजिए। और डेबिट कौन हो जाएगा? इनवॉइस नंबर भी दिया था ना, बता दीजिए थोड़ा। 55। पचपन, एक सेकंड जी, थोड़ा सा 55। एमएस सेकंड तो पहले 30,000, 55, और डेबिट कर देंगे किसको? कंप्यूटर ना, और सीकर क्या बना ले? अच्छा सामने देखिए, सब लोग सामने देखिए, कोई नजर नीचे नहीं होनी चाहिए किसी की भी। संजना स्टैंड अप, कंप्यूटर स्कांडल ग्रुप क्या हुआ? सब सामने देखिए क्या हुआ? कंप्यूटर हो खड़े देखिए, स्कांडल ग्रुप क्या हुआ? आप खड़े देखिए, नेक्स्ट बगल में ने, बगल में ठीक ने, बगल में पीछे पीछे है भाई, खरीद क्या रहे हो आप? किससे खरीद रहे हो? इसकी बात की गई है, एमएस इंटरप्राइजेस की बात हुई है तो बात हो ही गई है। आप परचेज कर रहे हो, परचेज जगह कौन ले रहा है? संपत्ति ऐसे। कंप्यूटर क्या है? अभी जस्ट लाइन भी बोला हूँ, पर्ची के साथ जब भी संपत्ति का नाम जुड़ा हुआ है हम क्या बनाते हैं? पर्ची के कारण संपत्ति का, संपत्ति का। कंप्यूटर क्या बना रहा है? संपत्ति। तो कहाँ से क्रिएटर और कहाँ से इनडायरेक्ट इनकम? मैं एक्सप्लेन, सैलरी कमीशन रेंट ये सब बातें होती तब ना इनकम या एक्सपेंस वाली बात आती है। हाँ पढ़ाई ऐसी क्यों हो रही है भाई? हाँ ऐसे क्यों पढ़ाई हो रही है कि आप लोगों को आई नहीं रहा? पैसे देना सिर्फ पढ़ाई है क्या? पैसे आप कमा के ला रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं? सोचिए, अगर छोटी चीजें आज यहाँ नहीं बता पाएंगे तो कल इंटरव्यू होगा, उसमें क्या बताएंगे आपको? जो क्लास में गलत बता रहा है तो वहां क्या बताएंगे? मैं तो सेट डाउन रितांशु, रितांशु सेट डाउन, महफूज रितांशु, बाकी लोग हैं क्या? जब तक कोई लिमिटेड नहीं होता, कोई कंपनी का वसा नहीं होता, तब तक आप कंपनी का नाम संडे के डेटा वाली बात ही नहीं थे। कंप्यूटर लिमिटेड लिखा हुआ है, अभी बताया भी हूँ, परचेज के साथ जुड़ा हुआ है ना, संपत्ति का नाम होगा ना परचेज। मैंने बताया भी है, स्टेटमेंट की बात कर लिखवाया भी है कि जब भी किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाए हम क्या बनाते हैं? संपत्ति का ही खाता बनाते हैं। कंप्यूटर लिमिटेड तो लगा नहीं है कि कंपनी का नाम होता है, कंप्यूटर में लाभ हानि वाली बातें नहीं हो रही है। लाभ हानि वाली बात कब होती है? सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ये सब में ना, ये संपत्ति।
इज अ रियल अकाउंट की। देखिए अगर शर्म आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं, आ रहा है तो अच्छी बात। चलिए सामने देखिए आप, तो कंप्यूटर का अंडरकूप क्या हो जाएगा, सब सामने देखिए इसका अंडरकूप क्या हो जाएगा, एस एस हो गया, बस यहाँ कर लेंगे क्या कर लिया आपसे, और 30,000 रुपया यहाँ भी हो गया, और क्या कर लिया, बस यही काम करना था आज के पास। सलग किए हैं तो आज हमें क्या बनाना है, वाउचर क्लास बनाना है सेल्स के बारे में। अब हम परचेज खत्म हो गए, सब परचेज पढ़ लीजिए। अब अगर डिटेल में देखना है आपको, एनालिसिस करना है आपको, तो आप यहीं पे F12 दबा के क्या कर सकते हैं, गुड्स का इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, पेज अप दबा दीजिए, क्या दिया हुआ है उसके पास से, क्या दिया हुआ है F12, F12 से नहीं होगा, कंट्रोल क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सेकंड बुझाइए, स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी है, तो स्टॉक समरी कहाँ से देखेंगे बच्चों, इसके आपसे पीछे आएंगे, पीछे आएंगे और यहाँ आ जाएंगे स्टॉक समरी में, इंटर करेंगे, यहाँ दबाएंगे 12, इसको यस यस करेंगे, यहाँ पूछता है ओपनिंग बैलेंस देखना है, हाँ देखना है, इनवर्ड सप्लाई देखना है, इनवर्ड का मतलब परचेज यस, आउटवर्ड देखना है यस, आउटवर्ड मतलब सेल्स बाहर नहीं भाई सेल्स, और यहाँ पे कंडेंस की डिटेल डिटेल इंटर बता रहा है कौन सा सामान खरीदे हैं, ओपनिंग में था कैबिनेट नहीं था, खरीदे थे आया था, और बेचे हैं नहीं खाली, बेचे अभी एक भी नहीं है, सब खाली रहे, सब खाली, क्यों, क्योंकि अभी तक सेल किए ही नहीं, कोई सेल किए हैं, अब सेल वाला इसके बाद आएगा, कैसे करेंगे आज वाउचर ये बनाना है, कैसे समझिएगा, थोड़ा नीचे आ जाइए, अब आपसे पढ़ना है मैं सेल्स वाउचर जिसकी शॉर्ट वर्क की होती है या पेड। सबसे पहले मैं आपको सेल्स वाउचर खोल के दिखा दूं, कि जैसे आप परचेज खोलते हैं वैसे सेल्स वाउचर भी खोलेंगे, क्या दबा देंगे या फिर दबाएंगे तो सेल्स वाउचर खुल गया, कुछ मांगा नहीं है, दबाया तो खुल गया है ठीक है, अब देखना दबाए तो परचेज वाउचर खुल गया है, इसके से पीछे आ गए और आज काम क्या करना है समझिएगा, कह रहा है जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन या ट्रांसफर एक्सचेंज जो भी है सब रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है, इसमें दो टाइप का सेल करेंगे, कितने टाइप का सेल करेंगे, दो टाइप, एक तो सेल करेंगे आप B2B, कैसा आपका बिजनेस ये है, आप ही किसी ने बिजनेस वाले आदमी को सामान भेज दिया तो क्या कहलाएगा, B2B ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा से लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं B2, आप सामान बेच सकते हैं किसी नॉर्मल कस्टमर को, क्या करेंगे B2, अरे भाई कुछ लोग आपसे सामान खरीद ले जाएंगे, घर खर्च करेंगे, कस्टमर है आपके, कुछ ले जाएंगे आपसे खरीद लिया वो भी बेचेंगे, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया और बिजनेस टू कस्टमर हो गया, क्वेश्चन में देता है। अच्छा बिजनेस टू बिजनेस में भी दो बातें होंगी, क्या क्या, लोकल और इंटर स्टेट, और इसमें भी बातें होंगी लोकल और इंटर स्टेट होंगी कि नहीं होंगी, तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो पहले हम बना लें, क्या बना लें, जैसे कि सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट, क्या बना लें, सेल्स लोकल और सेल्स इंटर। चलिए तो आ जाते हैं कंपनी में, लेजर बनाना है तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, लेजर में, और क्या बना लेंगे, सेल्स क्या लोकल, लोकल ना, अच्छा सेल्स लोकल का अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा, परचेज लोकल का, परचेज परचेज अकाउंट होता है जैसे सेल्स लोकल का, सेल्स अकाउंट यहाँ क्या लेंगे, गुड्स ले लेंगे, इंटर इंटरेक्शन खोल लेंगे, एक और बना लीजिए, क्या बनाना है, सेल्स इंटर उसको भी क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट ही होगा इसका भी, यहाँ गुड्स होगा, बन गया। अब आपको आज करना क्या, करना यही है कि आपको आना है क्रिएट में ही, और आना है वाउचर टाइम में, क्या करना है,
यहाँ आने के बाद आपको बनाना है सेल सेल्स बनाना है बी टू बी, क्या बनाना है सेल्स बी टू बी। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स बी टू बी और सी सी ओ, सेल्स ही ना होगा। हाँ सेल्स ले लिया, सेल्स ले लिया। अच्छा यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर करते आते रहिए। यहाँ पूछेगा नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में क्या ले लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स क्या लोकल, क्या अच्छा लोकल ले लिया, सामने देखते रहिए, बहुत ध्यान वाली ये है। तो यहाँ ले लेंगे इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। अच्छा वहां लोकल नहीं है तो यहाँ क्या लेंगे, लोकल ही लेंगे, वहां लोकल नहीं है तो यहाँ भी लोकल ही लेंगे, इंटर इंटर इंटर। अच्छा लोकल पे कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी और यस जीएसटी और क्या लगाता है, राउंड अप लगाता है, क्या लगाता है राउंड अप। राउंड अप में भी कंडीशन है, राउंड अप किस पे लगता है, एस टोटल अमाउंट राउंडिंग पे, टोटल अमाउंट पे लगता है ना, और नॉर्मल राउंडिंग करके लगाते हैं, नॉर्मल 1 रुपया बनाने की कोशिश होती है। और कितना बनाते हैं हम लोग, 10 रुपये, क्या बनाते हैं 1 रुपये। अब क्या लिखेंगे सेल्स लोकल के नीचे, क्या लिखेंगे सेल्स इंटर। अच्छा सेल्स इंटरेस्टेड अगर यहाँ है तो इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट यहाँ क्या लेंगे, देखिए क्या लेंगे इंटरेस्टेड ही लेंगे। अच्छा इंटरेस्टेड पे कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी और क्या लगा देंगे राउंड इंटर, या क्या लेंगे टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ क्या लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ क्या लेंगे वन, एक बन गया सेव कर लीजिए, ठीक हो। अगला क्या बनाएंगे, अगला बनाएंगे सेल्स बी टू सी, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, सेल्स होगा, इंटर करते आएंगे या फिर से वही दोनों काम करेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले सेल्स क्या लोकल, कितने भी बी टू बी लिखोगी, या बी टू बी लिखी थी सेल्स लोकल इंडियापोलिस, इंडियापोलिस वहां लोकल लिए तो यहाँ भी क्या लेंगे लोकल होगी। अच्छा लोकल पे कौन सा टैक्स, सी जी एस टी और यस जी एस टी और राउंड, राउंड अप में क्या कंडीशन है, एस टोटल अमाउंट राउंडिंग और नॉर्मल राउंडिंग और वर्ल्ड, और यहाँ करेंगे सेल्स इंटर इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट यहाँ क्या लेंगे इंटरेस्ट रेट, कौन सा टैक्स लगाएंगे आईजीएसटी इंटर और राउंड, राउंड अप में क्या लेंगे यहाँ पे एस टोटल अमाउंट राउंड, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ वन और इंटर करके एक्सेप्ट करो, बस हो गया, यही काम आज करना है, बस इसे ज्यादा करने के स्क्रिप्ट से पीछे जाइए, पीछे जाइए वाउचर में आ जाइए, क्या दबाना चाहिए सेल्स वाउचर खुल रहा था, फिर से ये फिर दबाइए, जैसे ये फिर दबाना था खुल जा रहा था ना, क्या वो ये फिर दबा के देखिए तू, अब पूछेगा किस में जाना है, नॉर्मल सेल्स में, सेल्स बी टू बी में, किस बी टू सी में, मान लो हम कह दिए सेल्स बी टू बी में जाना, इंटर करेगा फिर पूछेगा कि लोकल की इंटरेस्टेड, तो लोकल इंटर करके देखिए अपने आप सीजीएसटी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो यही आज की क्लास में आपको बना, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि काफी घुमाऊ है, इसलिए यही काम करिए आज की क्लास, कल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।